अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम सलाम। ठीक है, प्लीज केयर मैथड जो है उसमें आपके पास अगर लीस्ट केयर मैथड है, ये सेकुलर ट्रेंड मेजर करने का, सेकुलर ट्रेंड मेजर करने के मेथड्स हैं वो नंबर वन था फ्री हैंड कर्व मेथड, सेकंड था सेमी एवरेज, थर्ड है मूविंग एवरेज। ठीक है, और लास्ट हम जो पढ़े हैं लीस्ट केयर मेथड है। लीस्ट केयर मेथड में अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ इयर्स थे, जैसे कि हमने उसको डील किया था, तो कैसे किया था ऑड ईयर ऑफ मेथड्स को, ऑड ईयर ऑफ ड्यूरेशन से हैं, तो सेंटर वाला जो ड्यूरेशन है उसको हम कह देते थे कि वो है जीरो, और ऊपर वाले जो हैं उसमें से माइनस करते जाते थे तो नेगेटिव आ जाते थे, और नीचे वाले जो हैं जब वो माइनस करते थे तो पॉजिटिव। जैसे अगर आपके पास ईयर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 1960, 61, 62, 63, 64, 65 and 66 अब थ्री ईयर्स यहाँ से छोड़ दिए, तो सेंटर वाली जो वैल्यू है उसके लिए हम क्या ले लेते थे x को, x यानी कोड है हमारा, x क्या है कोडेड ईयर है। ठीक है, कोडेड ईयर है, तो कैसे कोड करना है इसको, सेंटर वाले को जीरो, इसका मतलब 1963 आपका जो है ओरिजिन है, इसी को क्या कहेंगे, दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, अब आपने 1963 को हर एक में से माइनस करना है, यानी कि ईयर में से माइनस कर देना है 1963 को। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं ऐसे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1960 में से 1963 माइनस किया तो क्या रिजल्ट आया जी गर्ल्स, माइनस थ्री। फिर 1961 में से माइनस किया 1963 तो माइनस टू, 1962 में से माइनस किया 1963 माइनस वन, 1964 में से 1963 वन टू एंड थ्री। जब नंबर ऑफ इयर्स कितने थे यहाँ पर, ऑड थे, अगर हम इनको काउंट करें तो ये सेवन बन रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इयर्स अगर आपके पास, नंबर ऑफ ड्यूरेशंस कह लें, ठीक है, ईयर भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, अगर ऑड है तो आपने क्या करना है, सेंटर में जीरो लेना है, ये वाली वैल्यू को, ऊपर वाली ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएंगी और नीचे वाली पॉजिटिव आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हमने x का कोड बनाना है। अगर यही हमारे पास नंबर ऑफ इयर्स क्या हो जाते हैं, इवन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इयर्स हैं 1960, 61, 62, 63, 64 and 65। अब नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। अब आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू जो कि कितनी है, बताएंगे कोई, 62, यहाँ पे 1962 लिखा हुआ है ना, ये 1963 है, तो दरमियान में क्या होगा, ये होगा 1962.5, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तभी सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा ओरिजिन होगा। ठीक है, इसको हम ओरिजिन लेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, टाइम में से माइनस कर दिया 1962.5। आप देखिए जब हम माइनस करेंगे तो हर वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट्स में आ जाएगी ना, जीरो पॉइंट तो नहीं, मतलब पॉइंट्स में आ जाएगी, हर ऑब्जर्वेशन जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगी। हम उसको फ्रैक्शन से हटाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस हर वैल्यू को हाफ पे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह वो होल नंबर बन जाएगा। अब हम यू करते हैं कि इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर।
ठीक है, ओरिजिन समझ आ गया हमने कैसे लिया, हमने बिल्कुल सेंटर से थ्री वैल्यूज को ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, और थ्री वैल्यूज को नीचे छोड़ दिया। तो जो सेंटर में पॉइंट बनता है उसको हमने ओरिजिन ले लेना है, और वो कितना था आपका, वो था 1962.5। क्योंकि अब आपका आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा तो हमने उसको 1/2 या 0.5 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप देखें पहली वैल्यू कैसी आएगी, 1960 माइनस 1962.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो क्या रिजल्ट आया करेंगे जरा। -5, क्योंकि यहां से बच गया 2.5 बच गया ना इतना सा, और जब 0.5 से उसको डिवाइड किया तो फिर ये -5 हो गया। कैलकुलेटर से करके देख लें, ये रिजल्ट आता है। यस मैम, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आपको ये बात क्लियर होगी कि हमने कैसे करना है इसको, आपने जो ओरिजिन फिक्स किया है उसको हाफ पे अगर ना भी डिवाइड करेंगे तो कोई मसला नहीं है, फिर क्या आंसर आता है यहाँ पर, फिर ये आंसर आता -2.5, ये आना था ना, ये भी ठीक था, फाइन, बिल्कुल ठीक था ये भी। जब हमने इसको हाफ पे डिवाइड किया तो इसका मतलब है हमने जो ड्यूरेशन है अपना उसको हाफ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो वन ईयर का ही रहा, कोई हमने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया। तो जब हम उसको उसका स्केल चेंज नहीं कर रहे तो आपका ड्यूरेशन जो है वो वन ईयर का ही है, जैसे कि इन सब में गैप में वन ईयर आ रहा है, ठीक है। तो हम ये भी रख सकते थे और हम इसको मल्टीप्लाई करके या हाफ पे डिवाइड कर दें या टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी लिख सकते थे, लेकिन हमने अभी जो केस कंसिडर किया हुआ है उसमें हाफ पे डिवाइड करने वाला है। तो अब हमारा रिजल्ट इस केस में क्या रहा, पूरे इसको सॉल्व किया तो आपका रिजल्ट जो है वो आया -5, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, अब 1961 में से माइनस करना है, ठीक है, यहाँ लिखा 1961 माइनस 1962.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो क्या आंसर आया, यहाँ से 1.5 आ जाएगा, ठीक है, और उसको जब 0.5 से मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। फिर इसके बाद 1962 के सामने क्या आएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, 1963 के सामने क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इसके सामने क्या आएगा, +3, और इसके सामने क्या आ जाएगा, +5, ठीक है, +5, बिल्कुल ठीक। और समीशन एक्स निकालेंगे तो उसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। एक तो मेथड ये है, और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इसको डिवाइड नहीं करते तो फिर आपका एक्स क्या होता, -2.5, इन सब का हाफ हो जाता ना, -1.5, -0.5, 0.5, 1.5 एंड 2.5। इस केस में भी आपके पास ये 0 ही रहना था, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये है कि हमारा जो कोडेड ईयर है इसमें हाफ हो गया है ये, और इसमें कोडेड ईयर जो है वो वन ईयर ही रहा है, ठीक है, वन ईयर, और इसमें हाफ ईयर है, ठीक, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा। वाई डेटा जाहिर हमें दिया होगा और एक्स वाई को यूज करके आपने लाइन फिट करनी है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, आप इससे पहले भी करते रहे हो रिग्रेशन में ए प्लस बी एक्स। तो ए प्लस बी एक्स कैसे फाइंड करते थे, चलो मैं दोबारा लिखती हूँ इसको, क्लियर करती हूँ फिर दोबारा लिखते हैं इसको। यानी आपको वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये आपका कौन सा ट्रेंड है, ये लीनियर ट्रेंड है, ठीक है, लीनियर ट्रेंड। और ये कब फिट करते हैं, अगर आपका हिस्टोरीग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है, अब आप इनको ज्वाइन करो तो हिस्टोरीग्राम कैसे बना, ठीक है, कुछ इस तरह का बन गया। तो इसके अंदर जो आपकी अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो सजेस्टेड ट्रेंड लाइन जो है वो कैसी बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ करके बन जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। तो आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है तो फिर इसकी वजह से आपको जो ट्रेंड फिट करना है वो भी लीनियर ट्रेंड ही फिट करना है। लीनियर ट्रेंड हमने देखा कि वो किस तरह से आता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और ए और बी के एक्सप्रेशन आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है,
ये होता है इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इन टू समीशन वाई। ठीक है, हम इनके समीशन के कॉलम्स बना लेंगे, नीचे आएगा एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। और ए का फॉर्मूला क्या है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक, अब आपको जो एक्स तो आपने हमेशा कोड बनाना है, ठीक है, कोडेड ईयर होगा आपके पास, ये कोड होगा, जब ये बनाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। वाई गिवन होगा, इन दो कॉलम से आपको जो कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे, एक एक्स वाई का और एक कॉलम कौन सा रिक्वायर्ड होगा, एक्स स्क्वायर का। और इन फोर कॉलम्स के समीशंस रिक्वायर्ड हैं सारों के, ये देख लें, ये है, ये है, ये है और ये है, ये फोर कॉलम्स के समीशंस आपके पास आ जाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब हम एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने ये एक एग्जांपल है, देखिए जी 16.8। ठीक है, इस 16.8 में आप नोट करें कि नंबर ऑफ इयर्स कितने, अगर आप इनको काउंट कर लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है आपके पास इयर्स, तो कौन से होंगे, ये इवन होंगे। जब इवन ईयर्स के होंगे तो आपने क्या करना है, इवन ईयर्स के लिए 4 यहाँ से छोड़ देने हैं और 4 यहाँ से छोड़ देने हैं। तो मिड में क्या पॉइंट बन रहा है, कोई बता सकता है मुझे, 83 क्रॉस हो गया है और 84 पे पहुंचा नहीं है, तो 83.5, बिल्कुल ठीक, 1983.5। ठीक है जी, अब हमने इसको ओरिजिन ले लेना है। अब आप ए पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है इसका, ए पार्ट, By taking the origin at the middle of the time period with the unit of measurement 1 year. 1 year का मतलब है आपने इसको half पे divide नहीं करना। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, with unit of measurement half year. इसमें आपने half पे divide कर देना है। इस question को हमने दो दफा करना है, ठीक है, लेकिन origin आपको दोनों दफा क्या लेना है, middle में लेना है, यानी कि यहीं पर ये जो point है आपका mid में बन रहा है, आपने यहीं पे origin को ले लेना है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे से, ये देखिए पहला कॉलम फर्स्ट पार्ट जो है, अगर आप इसको नोट करें तो फर्स्ट कॉलम में आपको जो चीज नजर आ रही है कि टी जो है 183.5, सिर्फ उसने इसको माइनस किया है, डिवाइड नहीं किया। और जो आपका कोडेड ईयर है उसमें देखें सब वैल्यूज किस में आ रही हैं, फ्रैक्शंस में आ रही हैं। हमने भी देखा था कि फ्रैक्शंस में आ सकती हैं, लेकिन अगर हम इसको होल नंबर ना बनाएं तो ये जो कोडेड ईयर है वो 1 year रहेगा, यानी कि हमने इस पूरे को 1 पे डिवाइड किया। अगर हम इसको ये समझें कि हमने इस पूरे को डिवाइड किया है तो किस पे किया है, 1 पे, तो ये इसलिए 1 year रहा, कुछ भी नहीं, जब किसी पे भी डिवाइड नहीं करते तो इसका 1 पे डिवाइड हुआ ना, तो इसलिए कोडेड ईयर जो है वो 1 year था। और फिर आपने एक्स वाई का और एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेना है, बस यही आपको दो कॉलम चाहिए, दो कॉलम्स तो आपके पास ये वाले हैं, एक एक्स का और एक वाई का। इन चार कॉलम्स के सबमिशंस रिक्वायर्ड हैं, जिसमें से आप देखिएगा कि ये तो हमेशा जीरो ही आना है, ठीक है, और जब ये जीरो आएगा तो इसकी वजह से आपके फॉर्मूला में दो वैल्यूज तो वैसे ही उड़ जाएंगी, एक्सप्रेशन जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, बी का जो एक्सप्रेशन था एन समीशन एक्स वाई, ठीक है, ये रह जाएगा ऊपर से, यहाँ पे तो माइनस समीशन एक्स समीशन वाई था, तो समीशन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो वो वैनिश हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे लिखेंगे एन समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर था वो भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो समीशन एक्स जो है वो जीरो है, तो बस आपका इतना एक्सप्रेशन रह गया, एन भी एन से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना फॉर्मूला रह गया, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला आपके पास रह गया। ठीक है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या वैल्यूज आ रही है, 183.9 और 42, इन दोनों को ऊपर नीचे रख के जरा डिवाइड कर दें तो क्या रिजल्ट आता है जी, बताइए क्या रिजल्ट आता है, जी गर्ल्स, 183.9 डिवाइडेड बाय 42, चले हम इसी में देख लेते हैं, ये देखिए 4.378, बिल्कुल ठीक 378, आपने एग्जैक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला है, इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, 4.38। ठीक है, और इसी तरह से ए का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, एक्स बार भी एस्मिशन एक्स इन्वॉल्व है वो जीरो है, तो इसलिए वो इस पूरे फैक्टर को लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वाई बार के इक्वल होगा और वो कितना है 122, इसीलिए इन्होंने ए पहले लिख लिया और बी बाद में, क्योंकि बी तो पहले तो हम ए हमेशा बाद में लिखते थे और बी पहले लिखते थे, इस वजह से कि बी इन्वॉल्व होता है ए में, जब बी को इन्वॉल्व ही नहीं होना, इसने तो जीरो ही बन जाना है, इससे मल्टीप्लाई होकर इस पूरे फैक्टर ने खत्म ही हो जाना है, तो हम इसको पहले ही क्यों ना कैलकुलेट कर ले, तो इसलिए ए इन्होंने पहले कैलकुलेट किया है और बी
बाद में यानी सीक्वेंस में ए और बी को सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी, ये दोनों रिजल्ट्स आपके सामने आ गए। इन दोनों रिजल्ट्स को उन्होंने किस में सब्स्टिट्यूट किया, अपनी लाइन में। लाइन देखिए ये क्या थी, ये देखिए ये आपका ए सब्स्टिट्यूट हो गया और ये आपका बी। ए और बी दोनों जब इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो ये आपकी कौन सी लाइन आ गई, लीनियर ट्रेंड आ गया। ठीक है, बेस्ट फिटेड लाइन। बेस्ट फिटेड इसलिए कह रही है कि लीस्ट केयर आपको जो फिट करके लाइन प्रोवाइड करेगा वो बेस्ट फिट होगी। ठीक है, यानी कि आपके जो स्कैटर पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स के दरमियान में अगर देखा जाए तो बहुत सी लाइनें गुजर रही हैं। ये भी लाइन गुजर सकती है, ये भी गुजर सकती है, इस तरह भी गुजर सकती है, लेकिन इन सब में से बेस्ट कौन सी होगी, बेस्ट वही होगी जो कि आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, लीस्ट केयर मेथड से। और वो कौन सी है, वो ये वाली है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये जरूर साथ लिखना है कि आपने कहाँ लिया ओरिजन, मिडल में। किसके मिडल में, 1983 और 1984 के मिडल में। और इसके अलावा क्या बताना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वन ईयर, ये जरूर मेंशन करना है अपनी लाइन के साथ। ठीक है, वन ईयर है या हाफ ईयर है और आपका ओरिजिन कहाँ पे था। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, हमने इसका सेकंड पार्ट देखा था कि हमने हाफ ईयर लेना है। जो रिजल्ट्स हमारे ऊपर आए थे उन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके हमने अब आपने ऐड कर लें। हम अच्छे और आ गए हैं। अच्छा, एक ही राफिया बैठी हुई है बस, और कोई भी नहीं है। चले उसको मैंने वो राफिया क्यों ऐड नहीं हो रही, चले ऐड कर दिया मैंने उसको। ओके अच्छा देखिए, अब पीछे वाला जो हमारा टेबल था उसमें जो डिफरेंस आया हुआ था वो किसका था, 3.5 माइनस 2.5। जब हम इसको हाफ पे डिवाइड कर देंगे इस पूरे को तो 1/2 पे या 0.5 पे, तो इनका डबल डबल हो जाएगा, 3.5 का डबल, 2.5 का, 1.5 का। तो हम देखते हैं कि ये क्या बनता है। ठीक है, ये देखिए 3.5 का डबल क्या बना, माइनस 3.5 का माइनस 7, 3.5 का 7, इस तरह से माइनस 2.5 का, माइनस 1.5 का, माइनस 1 का, तो यही रहेगा माइनस 0.5 का, 0.5 से जब डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1375 और माइनस प्लस 1357। ठीक है, और इस तरह से आपका ये कॉलम्स फिर बन जाएंगे दोबारा से, क्योंकि अब आपका एक्स जो है वो ये वाला इन्वॉल्व होना है जो होल नंबर्स में है। ठीक, तो आपने यही दो कॉलम्स मजीद बना लेने हैं और इन सब के टोटल्स रिक्वायर्ड होंगे और इन टोटल्स को यूज करके उसी तरह से आपने ये दोनों फाइंड आउट करनी है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसका आंसर उसके आंसर से मैच नहीं होगा। इस वजह से मैच नहीं होगा क्योंकि आपके इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है सब में। ठीक है, और इनके रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट हैं, तो फॉर्मूला कैसे बी का सेम आ सकता, फॉर्मूला तो सेम है, इसका रिजल्ट कैसे सेम आ सकता है, इसका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसकी ट्रेंड वैल्यूज लगाएंगे तो अब आपकी एक्स की वैल्यूज जो है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जब इसमें सब्स्टिट्यूट होंगी तो इसका वही रिजल्ट रहेगा जो कि ऊपर रिजल्ट था। अब हम चेक करते हैं, पहला आया 107.09। पहले इसकी लाइन देख लेते हैं। ठीक है जी, लाइन देखिए इसकी कैसी है। ये अब देखें, ये तो आपका सेम आया क्योंकि इसमें बी इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व नहीं था एक्स की कोई भी वैल्यू। y a किसके इक्वल है, b y बार के इक्वल है, क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व ही नहीं है, ये y बार है आपके पास, तो इसलिए इसने तो वही रहना है। चेंज आएगा तो यहाँ पर आएगा 2.19 है। जब इसमें अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो पहले वाला रिजल्ट ही सेम रहेगा। और इसके साथ एक स्टेटमेंट क्या लिखनी है, ओरिजिन इज इन द मिडल ऑफ 1983 and 1984 एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज हाफ ईयर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इसमें इसको हाफ को मेंशन कर देना है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम देखते हैं पीछे वाले वैल्यूज को, ट्रेंड वैल्यूज को और इसकी। चलिए पहले नोट कर लें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दोनों नजर आ जाए हमें। अभी भी दोनों नजर नहीं आ रही है, चलें अब आ रही है। ठीक है, दोनों नजर आ रही हैं। तो अब आप देखें कि पहली वैल्यू जो है वो 107 है और इसमें भी पहली वैल्यू 107.09 है, लास्ट वैल्यू 137 है और इसकी भी लास्ट वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी 137 है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके रिजल्ट्स जो है वो मैच हो रहे हैं। लाइन तो मैच नहीं होगी, इसकी लाइन जो है वो पहले वाले की लाइन से जो है वो डिफरेंट है। पहले वाले की लाइन देखें वो किस तरह से है और ये वाली है। ठीक है, तो दोनों की लाइंस का फर्क आ रहा है लेकिन
ट्रेंड वैल्यू सेम होगी, यानी अगर आप इनको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट रहेगा, अगर आपकी स्कैटर प्लॉट तो जाहिर है कि उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। स्कैटर प्लॉट फॉर एग्जांपल इस तरह से है, तो आपकी ट्रेंड लाइन इसके बिटवीन इन पॉइंट्स से बनाओगे तब भी वही बनेगी, और ये पॉइंट्स भी ऑब्वियसली वही हैं तो यही भी लाइन सेम ही रहेगी। ठीक है जी, तो ये आपका लीस्ट स्क्वेयर मेथड था फॉर इवन नंबर ऑफ इयर्स इज गिवन। ठीक है, ये एक एग्जांपल हमने कर ली है 16.8। आपने क्या करना है, इससे मिलते जुलते एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, उसके बाद है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होती है, यही देखिए 16.9 क्वेश्चन। ठीक है, 16.9 क्वेश्चन में आपको उसने क्या कहा, जो पिछला वाला क्वेश्चन अभी हमने किया है अटेम्प्ट, उसी का ही लाइन ली। ठीक है, और उन्होंने कहा इसकी कंप्यूट करें ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज हमने कंप्यूट कर ली थी, उसी में ही कंप्यूट। प्रिडिक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1988। आप मुझे देखकर बताएं इस डेटा में 1988 एग्जिस्ट करता है। देखें पीछे से, इसमें 1988 एग्जिस्ट करता है, इसमें 1988 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता तो हम उसके सामने x की वैल्यू क्या लिखते, 1988 यहाँ पर ही आता है ना, तो उसके सामने x क्या आता, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, कैलकुलेट कर ले 1988 और इसमें से माइनस किया है 1983.5 और डिवाइड किया है इसको 1/2 पे, तो क्या रिजल्ट रहा 1988 और ये 1983, 5.5 डिवाइडेड बाय 2, 4.5। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो 4.5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, और डिप टू हाफ पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 9। और वैसे भी अगर आप सीक्वेंस में देखें तो 1, 3, 5, 7, तो अगला क्या आना चाहिए 9। अगर हम इस 9 को यूज करते हुए ट्रेंड वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करते जा रहे हैं सब चीजों के लिए, यहाँ पर क्या आएगी 122.42 + 2.19। ठीक है, और अब 7 की जगह पर यहाँ पर रख देंगे 9, तो कोई ना कोई रिजल्ट तो आ जाएगा। ठीक है, इसी को प्रेडिक्शन कहते हैं। अगर आपके पास 1988 की बजाय मैं कहूँ 1989 ले लें, 1989, तो अब उसके सामने x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी 9 के बाद, बता सकता कोई? 11। बिल्कुल ठीक, और उसकी प्रेडिक्शन के लिए यहाँ पर इस 9 की जगह पर 11 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये सब कुछ ऐसे ही लिख लेंगे और उसका भी कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। ठीक है जी, ये जो आप काम कर रहे हो ये प्रेडिक्शन है, यानी वो ईयर जो अभी एग्जिस्ट नहीं किया लेकिन आप पहले से उसके बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हो कि उसकी इंडेक्स नंबर, उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्राइस, उसकी डिमांड, जो भी बात है, जिसका भी डेटा आपका ये है, वो ये होगा या हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम प्रेडिक्शन कहते हैं। तो हम इसमें टाइम सीरीज में जब टाइम के साथ रिलेट कर रहे होते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं कि पिछले 5 सालों पे डिपेंड करके हम नेक्स्ट किसी भी ईयर का कोई रिजल्ट फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पिछले एक महीने का जो है टेम्परेचर नोट करें तो हम कहें जी अगले महीने के शुरू के 2 दिन 4 दिन 5 दिन ये टेम्परेचर होगा, यानी कि हमने 30 डेज की बेस पर 31, 32, 33 डेज, यानी 3 मजीद दिनों का टेम्परेचर पहले से ही बता दिया, हालांकि वो दिन नहीं आया हुआ था। तो इसी तरह से आप देखिए कि जो भी फॉरकास्टिंग वाले या वेबसाइट पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको टेम्परेचर देता है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों में टेम्परेचर ये रहेगा, मौसम के हालात ये रहेंगे, नमी का तनासुब ये रहेगा, तो वो किस तरह से करते हैं, वो एक्चुअली ये टाइम सीरीज ही फिट कर रहे होते हैं। टाइम सीरीज फिट करने के बाद ये प्रेडिक्शन इंटरवेल्स पे फाइनल वैल्यूज यहाँ की फाइंड कर रहे होते हैं और वो आपको बता देते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्राइसेस भी और इसी तरह से डिमांड्स भी, जितनी भी चीजें जो टाइम से रिलेट कर रही होती हैं वो इसी टाइम सीरीज एनालिसिस से ही प्रेडिक्ट करके आपको
बता देते हैं. ठीक है जी, हमने ये प्रेडिक्शन भी देख ली. उसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे. आपने क्या करना है होमवर्क में, ये आपका होमवर्क आ गया. आपने जो क्वेश्चंस करने हैं ये मूविंग एवरेज का तो क्वेश्चन लास्ट मूविंग एवरेज के मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिए थे. इस वीकेंड पे आपने मूविंग एवरेज का भी क्वेश्चन करने हैं और आपने वो भी करने हैं सेंट्रल मूविंग एवरेज का एक क्वेश्चन, ये वाला 6A जिसमें 4 months सेंट्रल मूविंग एवरेज मेरे ख्याल मैंने दिया था, लेकिन चले बहरहाल फिर भी. और एक ही ये 4 quarter सेंट्रल मूविंग एवरेज. ठीक है, 6 question पूरा हो गया आपका ए बी दोनों को मिला के. उसके बाद आपका है 7th question. 7th question देखिए कौन सा है, ये लीस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है आपका. ठीक है, लीस्ट स्क्वायर का बी पार्ट. इसमें देखिए टाइम सीरीज का डेटा दिया हुआ है, ये वाला, ये वाई वैल्यूज है एक्चुअली आपके पास. लीनियर ट्रेंड आपने फिट करना है और ओरिजिन उसने आपको बता दिया है. नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑड ईयर्स हैं. तो आपने सेंटर में मेरे ख्याल यही वाला बन रहा है, यहाँ पर इसके अगेंस्ट 0 ले लेना है और यहाँ -1, -2, -3, -4 हो जाएंगे और यहाँ 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे. ये आपकी एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी और आपसे कंप्यूट कर लेना. 8A क्वेश्चन देखते हैं आप. 8A क्वेश्चन में क्या है जी, 8A क्वेश्चन में है नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के भी ऑड ईयर्स है. ठीक है, 5 अपने मंथ्स यहाँ से, ईयर्स यहाँ से छोड़ देने हैं, 5 अपने यहाँ से छोड़ देने हैं और सेंटर वाली वैल्यू जो है उसके अगेंस्ट एक्स को 0 कंप्यूट कर लेना है. ऊपर की तरफ -1, -2, -3, -4, -5 आ जाएंगे और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 आ जाएगा. ये आपकी एक्स की वैल्यूज होंगी और आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है, ट्रेंड वैल्यूज भी निकाल लेनी है और उसके बाद एस्टीमेट भी कर लेना है. अच्छा मुझे बताया 1989 यहाँ पर आएगा, 1988 इसके बाद और 88 के बाद 1989 आएगा. मुझे बताएंगे उसके सामने क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी उसके सामने 1989 के. यहाँ पर आपका आया हुआ है 5, तो इसके नीचे एक्स क्या आएगा, 6 और इसके नीचे एक्स क्या आएगा, 7. आपने एक्स को 7 रख के इसको प्रेडिक्ट कर लेना है इसमें. ठीक है, एक्स को क्या रखना है, 7. अच्छा जी, उसके बाद देखें इसका 8 का बी पार्ट. 8 का बी पार्ट क्या है, अच्छा 8 का बी पार्ट है, इसमें सबमिशंस दिए हैं मैं आपको, डायरेक्ट सबमिशंस हैं सब. ठीक है, कोई कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है और इससे आपने लाइन फिट कर देनी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन होता है बस, 2 या 3 नंबर का. ठीक है, और उसके बाद आपने ये ट्रेंड वैल्यूज इसकी फाइंड कर लेनी है ये सारी. ठीक है, ये फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके. अब आप एक्स कैसे करोगे, यहाँ से निकालोगे 1985 टू 95 कितने ईयर्स हो गए, 11 ईयर्स हो गए. अब 11 ईयर्स में जाहिर है कि सेंटर में आपका 0 होगा, ऊपर के -1, -2, -3 नीचे वाले 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होंगे. तो आपने ट्रेंड वैल्यूज इसमें कैलकुलेट कर लेनी है. ठीक है जी, उसके बाद आता है 9A क्वेश्चन. ये आज के टॉपिक से रेलिवेंट है जिसमें आपने हाफ ईयर लेना है. नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. तो यहाँ करके आपका ओरिजिन आ जाएगा 1982.5 और इसमें टी में से माइनस करना है, टी आपका टाइम है, यानी ये टी है आपका और ये आपका वाई है. तो आपने एक्स किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, 1/2 से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.